और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1919 में जयपुर की महारानी गायत्री देवी का जन्म हुआ था। वो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की पत्नी थी। वर्ष 1962 में उन्होंने जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने कुल 2,50,272 वोट में से 1,92,909 वोट हासिल किए थे। उनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। और इमरजेंसी के दौरान महारानी गायत्री देवी को गिरफ्तार करके 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया था। गायत्री देवी का निधन 90 वर्ष की आयु में 29 जुलाई 2009 को हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1995 में जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला वर्जन रिलीज किया गया था। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कनाडा के कंप्यूटर साइंटिस्ट जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था और इंटरनेट के विकास में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बड़ा योगदान है। दुनिया भर में 75 लाख से ज्यादा जावा डेवलपर्स हैं। सन 1707 में आज ही के दिन स्वीडन के महान वैज्ञानिक कार्ल लीनियस का जन्म हुआ था। उन्होंने जीवों के नामकरण का आधुनिक सिस्टम तैयार किया था और इस सिस्टम को बायो नॉमिनल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नामकरण की इस व्यवस्था के तहत हर जीव को अपने गुण और क्षमताओं के मुताबिक दो हिस्सों से बना एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। किसी भी जीव का ये नाम पूरी दुनिया में और सभी भाषाओं में मान्य होता है। कार्ल लीनियस एक बॉटनिस्ट होने के साथ साथ एक चिकित्सक और जीव विज्ञानी भी थे। उन्होंने पौधों की करीब 7,700 प्रजातियों और जंतुओं की 4,400 प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान में अपने योगदान के लिए फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और आज ही के दिन वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इसके साथ वो एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली दुनिया की 5वीं महिला बनी थी। बछेंद्री पाल को वर्ष 1994 में 4थे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।